What is up, everyone? This is me, Mukesh Oka, Ishu Mukesh Edu, and we are back with another one, bro. Left and right, Krishna, 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 har jagah kya dollar sign. Trash dal raha hai left and right. Feature, surprise feature bhi aa raha hai. Abhi kal raftaar ne drop kiya tha, bro. Banger track, banger drill song. I think Sazai Mat ko kaat diya bahut hi easily, kyunki Krishna ne bhi spaz kiya us track mein. Bro, and abhi podcast bhi aa chuka hai. And no mercy aana baki abhi Deep Kalse ka, so you never know. Care Dollar Sign and MU Bantai, can we see their collaboration in future? The answer is no, but let's see what Krishna is saying, bro. Let's go. Okay. बहुत सारे क्या मौत के बारे में सोचते हैं? शायद MU आपके rival है. But if MU comes up to you and says, चलो collaborate करते हैं, आप कर लोगे? नहीं. क्यों नहीं? Because bro, you machenge four bro. That's because bro. वो ट्रैक सुन लो, आपको सारी आंसर्स आपको मिल जाएंगे ब्रो. कृष्णा का मचाएंगे फोर भी आप सुन लो, एमयूए का मचाएंगे फोर भी आप सुन लो. आप सुन ही सकते हो एमयूए का, क्योंकि देख नहीं सकते बिकॉज द वीडियो इज नो मोर. लाइक आप अभी वीडियोस पूरा का पूरा ऐसा उठा के रखे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स अपने, यू नो, हमारे भी है, हमारे भी है. बट या यू कैन गो एंड लिसन टू मचाएंगे फोर एंड देन से ब्रो. से अगर वो ट्रैक आपके बारे में बनाया होता, क्या आप जाते कोलैब करने? राइट नाउ इट्स नो ब्रो, इट्स नो, एब्सोल्युटली नो. आई मीन लोगे? नहीं. क्यों नहीं? आई थिंक दैट शिप इज सेल्ड ऑनेस्टली. अब मतलब वो सैडली टू मच हैज हैपेंड फॉर इट टू बी वर्थ नथिंग एट नो पॉइंट. फ्यूचर में क्या होता है, क्या होता है, कब होता है, वो तो मतलब मैं तो बता नहीं सकता भविष्य. बट यू नो के अभी एट द मोमेंट इन दिस माइंड स्टेट आई वुड से नो. एंड आई फील लाइक हिज आंसर वुड बी द सेम. ओके. आर यू पिस्ड ऑफ कि आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन? नो. ओके. सो यहाँ पे रणवीर ने एक शुरुआत की है ये बोलने से कि अगर एमवे सामने से आता है एंड बोलता है कि हम लेट्स कोलैब, लेट्स मेक अ ट्रैक टुगेदर एंड मेक कमेंट्स, ठीक है, तो क्या आप करोगे ऐसा? तो कृष्णा का तब आंसर था कि नहीं, बिकॉज इट फील्स लाइक, जैसे कृष्णा ने बोला, दैट शिप हैज सेल्ड. अभी बहुत ज़्यादा ऐसा जो बैड ब्लड है हमारे बीच हो चुका है अभी. आई मीन यू कांट जस्ट टेक इट बैक. सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद है, सारे लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी सुना होगा, आई मीन फ्रेंड्स वगैरह सब सुने होंगे. एंड इन रैप इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है. सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आपको इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद क्या आप जाओगे उसके पास वापस, क्या आप हाथ बढ़ाओगे उसके लिए? काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे ये चीज़ अगर कृष्णा और एमयूए, यू नो, दोनों एक साथ वापस फिर से आए एंड एक दूसरे को हाथ मिलाए. काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये सवाल भी उठाएंगे तो फिर इतना सारा झमेला क्यों किया, है कि नहीं? कि माँ पर गए, बहन पर गए, इस पर गए, उस पर गए, क्यों क्यों घसीटा, इतना डीप क्यों जाने का था अगर आपको वापस मिलना ही है? बट यू नेवर नो कि बाद में रियलाइज हो कि हाउ सिली दिस वाज एंड वापस वो आ जाए, मिल जाए, क्या पता इन फ्यूचर. बट एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि एमवे ने अपने लाइफ पे जब उसको गुस्सा था, जब मचाएंगे फोर ड्रॉप हुआ था, आई थिंक उसी रात को उसने एक लाइव किया था इंस्टाग्राम पे एंड हम चेकआउट किए थे उसको अपने चैनल पर. तब एमवे ने ये बात बोली थी कि अगर सामने से कोई आया इस इंटेंशन के साथ कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, देन एमयूए ने ये बोला था कि मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा, मैं भी चीज़ें सॉर्ट आउट करूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरे दिल में ये सब चीज़ें नहीं रखना है और मैं नहीं रखता. एंड मैं उस वक्त एमयूए को अप्रिशिएट किया एंड आज भी उस चीज़ के लिए एमयूए को अप्रिशिएट करता हूँ. बिकॉज मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ, आई एम नाउ जस्ट सेइंग इज बिकॉज बीकेपी देख लेगी, लाइक्स कर देगी, सब्सक्राइब कर देगी, जो सब चीज़ें बोलते हैं. बट एमवे इज वेरी एक्सप्रेसिव, वो मोमेंटरीली फील करता है चीज़ें और एक्सप्रेस करता है, बस खत्म. अब तब और उसके दिल में कुछ नहीं होता, ठीक है. तो अगर आप सामने से अप्रोच करोगे एमवे को एंड यू से लेट्स सॉर्ट दिस थिंग्स आउट, आई मीन लेट्स सॉर्ट इट आउट, ओके, लेट्स क्लियर द एयर, क्लीन स्लेट, अगर इन सब इंटेंशन के साथ, इस अप्रोच के साथ आप आ जाओगे, आई थिंक एमवे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट एंड वो अपना हाथ आगे बढ़ाएगा.
एंड एमवे ने ये बोला भी था, और उस वक्त बोला था जब उसका गुस्सा चरम सीमा में था। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि एमवे को, एमवे ऐसा बोला है तो कृष्णा को भी ऐसा बोलना चाहिए, नहीं, कृष्णा का अपना पर्सनालिटी है, कृष्णा को कुछ चीज़ें हर्ट की है जो हम समझते हैं कि ओके इट्स लाइक ओके इट्स रैप, बट दैट्स हिज लाइफ, रैप इज कृष्णाज लाइफ। वो शुरुआत से रैप कर रहा है, 14 साल की उम्र में वो रैप कर रहा है, ठीक है, वो इसमें नाम बनाया अपना और आज जिस मुकाम तक है, यू नो, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसको, सो दिस इज हिज लाइफ। और उसके प्रोफेशन में अगर उसको कोई इस तरीके की चीज़ें बोलेगा एंड बोलेगा कि तू ये सब कर रहा है, फिर उसके यू नो फैमिली पर जाएगा, सो ऑफकोर्स कृष्णा को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, एंड यू नो उसके मुँह से ये निकलना कि नो इज नेवर, इट कैन नेवर हैपन, नो कोलैब, नथिंग, यू नो सामने से अगर भी आए, नथिंग, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एमवे का साइड भी रख रहा हूँ यहाँ पे भी, एमवे ने भी ये चीज़ें बोली थी जब उसका चरम पर गुस्सा था, तब उसने ये भी बोला था कि अगर सामने से कोई आएगा सेटल करने के लिए, आई विल सेटल, आई विल सॉर्ट थिंग्स आउट, मैं दिल में ग्रजेस नहीं रखता, उसने ये बोला था। बट दैट्स हिज थिंग, दिस इज कृष्णाज थिंग, एंड या गाइज, लेट मी द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आप देखना चाहते हो फ्यूचर में एमवे एंड कृष्णा, या फिर आप सोच रहे हो कि एमवे भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, कृष्णा भी अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, दोनों अलग अलग अच्छे अच्छे ट्रैक्स निकाल रहे हैं, निकालने दो, कोलैबोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एमवे एंड कृष्णा का कोलैबोरेशन एक बड़ा कोलैबोरेशन हो सकता है, बट विल इट मेक सेंस दो, आई डोंट नो गाइज, लेट मी द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, आई पोस्ट रिलेटेड कंटेंट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।